मेरे प्रिय कैडेट, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे किन जिन शब्दों से व्यक्ति, भाव, वस्तु, प्राणी, स्थल आदि का बोध होता हो या उसका आपको ज्ञान मिलता हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। यह परिभाषा देखा, इसके कुल मिलाकर जो है पांच प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो पिछले वीडियो में हमने जो है व्यक्तिवाचक, जो विशेष व्यक्ति हो, नाम हो या स्थल हो, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। और दूसरा प्रकार था जातिवाचक, जो जाति या समुदाय से जुड़ा होता है, एक जाति से या समुदाय से। तो तीसरा है समूहवाचक, यहाँ पर समूह, यहाँ पर दल का, यहाँ पर जो है बोध होता है समूह का, जैसे भीड़, जुलूस या कक्षा कह लीजिए, पुलिस कह लीजिए, सेना कह लीजिए। ऐसे जो है हमने तीन प्रकारों का विस्तृत अध्ययन जो है पिछले वीडियो के अंतर्गत किया। तो चलिए संज्ञा के अंतर्गत जो पांच प्रकारों में से तीन प्रकार को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, तो आज जो है हम बाकी दो जो हैं प्रकार, उन पर आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ प्रश्नोत्तर पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए संज्ञा की जो बचे हुए दो प्रकारों पर आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। परिभाषा इस प्रकार है: किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहां पर जो है संज्ञा जो होती है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, यहां पर भी, यहां प्राणी भी आता है, जिन जो उनके नाम को क्या कहते हैं, प्राणियों के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर देखिए, हम यहां पर व्यक्ति के लिए देखिए सचिन तेंदुलकर, यानी यहां पर व्यक्ति में कौन आ रहा है, सचिन तेंदुलकर आ रहा है। आप विराट कोहली भी ले सकते हैं। तो उसी प्रकार अब हम स्थान की ओर जाएंगे, जो स्थान संबंधित संज्ञा किस प्रकार है, देखिए आगरा है, दिल्ली है, बीजापुर भी आता है, जैसे स्थान का वहां पर आपको पता चले बीजापुर है, आगरा है, दिल्ली है, जयपुर है, बेंगलुरु है, ठीक है। उसी प्रकार अभी वस्तु, वस्तु उसमें जो है कुर्सी, जैसे कुर्सी, मेज, खिड़की और दरवाजा, ये सभी वस्तु में आते हैं। उसी प्रकार भाव, भाव में देखिए बचपन, बचपन, लड़कपन, अच्छाई, ये सभी भाव में आते हैं, जो मानव के शरीर के ऊपर जो है हाव भाव को दिखते हैं, उसे भाव कहते हैं, ठीक है, बचपन। तो उसी प्रकार हम संज्ञा के जो हैं कुल मिलाकर पांच प्रकार हैं। तो संज्ञा के कुल मिलाकर पांच हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए यहां पर कहा जाता है कि संज्ञा के केवल तीन प्रकार हैं। जातिवाचक में जो है समूहवाचक या समुदायवाचक या द्रव्यवाचक जो है दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए जो ज्यादातर पांच ही हैं, लेकिन जब सर्वमान्य तीन हैं उसके ये उप प्रकार हैं। तो अब हम इसका जो है पहला जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी जानकारी हासिल करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, यहां पर जो है विशेष का प्रयोग किया गया है, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान,
अथवा विशेष वस्तु का बोध होता है, बोध यानी ग्रहण, अर्थ का ग्रहण होना, बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विशेष व्यक्ति, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। रोहित, ईशा, सुनील, सीता आदि, ऐसे बहुत सारे जो नाम हैं विशेष व्यक्ति, यहाँ पर जो नाम, जो उनको नाम रखा जाता है तो वह विशेष बन जाता है। आपका भी नाम जो है नामांकित किया है, ठीक है, वे भी जो है विशेष व्यक्ति के रूप में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार विशेष स्थान जो है, स्थान बहुत सारे होते हैं, व्यक्ति भी बहुत सारे जो हैं अलग-अलग होते हैं, लेकिन उनके जो विशेष नाम से पुकारा जाता है तो विशेष होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर स्थान भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो सही है उसी को क्या कहते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पर विशेष स्थान जो है, दिल्ली, बेंगलुरु, आगरा, बीजापुर, ऐसे बहुत सारे जो हैं, जयपुर है, ये सभी जो स्थान है उनको जो है विशेष नाम दिया जाता है उन स्थानों को। उसी प्रकार विशेष वस्तु, जो वस्तु है उसे विशेष प्रकार से वहां पर नामांकित किया जाता है। जैसे रामचरित मानस एक वस्तु यानी किताब है, एक वस्तु है, लेकिन विशेष है। उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता, जैसे किताबें हैं वस्तु के रूप में, ये क्या है विशेष, उनका वस्तुओं को विशेष रूप से नाम दिया गया है। उसी प्रकार विशेष नदियों में भी जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है उनके नाम जो है, नदियों के नाम देखिए, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा आदि जो है नदियों के नाम भी जो उनको जो नामांकित किया गया है विशेष रूप से, तो ये विशेष में आ जाता है। विशेष पर्वतों के नाम, पर्वत बहुत सारे होते हैं उनको विशेष करके नाम दिया जाता है, जैसे हिमालय, गलती हो गई यहाँ पर, सागर माता चाहिए था, सागर माता कह लीजिए ऐसे, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक में यानी विशेष, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान ये सभी जो हैं उनका विशेष उसे नाम दिया जाता है, वैसे जो पदों को या शब्दों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अगला प्रकार को हम अब जानेंगे, अगला है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस संज्ञा से किसी एक जाति के सभी पदार्थों, स्थानों अथवा प्राणियों का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक जाति का यहाँ पर क्या होता है, जो जाति का यहाँ पर क्या करते हैं उसका बोध होता है, प्राणी का हो या किसी पदार्थ का हो, स्थान का, एक जाति से जो है जाति का जो बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखेंगे पुस्तक, यहां पर देखिए जो पुस्तक है एक जाति से जुड़ा हुआ है, जैसे यहां पर जो है पुस्तक है बहुत सारे हो सकते हैं। आपको बता देता हूं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या है, जाति एक जो है बहुत सारे इसमें क्या हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इसमें जो है डिफिकल्ट आ जाते हैं। जैसे देखिए पुस्तक है, वही हम उसको रामायण की किताब कहेंगे तो पुस्तक कहेंगे, तो क्या होगा, वो विशेष होगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहां पर बच्चा, बच्चा जो है एक जाति से है उसे नामांकित करेंगे तो विशेष हो जाएगा,
तो आपको मैं जातिवाचक संज्ञा के साथ साथ जो व्यक्तिवाचक है, ये एक जाति है, इससे उसमें जो है अलग विशेष नाम दिया जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। ये आपको यहाँ पर समझना है। नदी, पहले भी हमने देखा था कि नदियों के नाम जो विशेष नाम दिया जाता है उसे व्यक्ति होता है, यहाँ पर जाति है नदी। बहुत सारे यहाँ पर नदियां आ जाते हैं, एक जाति, ठीक है। उसी प्रकार पर्वत, पर्वत बहुत सारे हैं, तो ये जाति एक समूह जाति में आ जाता है, एक प्रकार की जाति में आ जाता है। उसी प्रकार फल हैं, फल देखिए फल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आम का फल कहने से वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। उसे हमने क्या किया है, पर्टिकुलर उसे साइड में रखा है, आम का फल है तो विशेष हो गया, व्यक्तिवाचक भी हो सकता है। यहाँ पर जाति है यानी पूरा जो है फल कौन सा है पता नहीं, फल का एक जाति है। कुत्ता, उसे हम उस कुत्ते को हम नाम देंगे तो वो विशेष हो जाएगा, ठीक है। कुत्ता भी एक जाति में आता है। नर नारी कह लीजिए आदि जो है जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो आपको इतना ध्यान देना है कि जातिवाचक में जाति का बोध कराता है, ठीक है। उसमें से एक विशेष रूप से हम किसी को नाम देते हैं तो उसे हम व्यक्तिवाचक विशेष रूप से बन जाता है, ठीक है। अब हम तो आपको पता चला कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में जो अंतर क्या है वो आपको समझ में आया। अब हम तीसरी जो प्रकार है उसकी ओर देखेंगे, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, वे शब्द जो किसी समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पर समूह का एक समुदाय का जो है बोध होता है। यहां पर उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा, परिवार, परिवार यानी यहाँ पर माता पिता होंगे, आपके बड़े भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, भाई बहन होंगे, ये सभी परिवार में जो है एक समूह के रूप में रहते हैं। परिवार छोटा नहीं होता है, परिवार जो है उसमें समूह एक प्रकार के वहां पर सभी होते हैं। उसी प्रकार अगला जो है उदाहरण कक्षा, कक्षा यानी जो है सातवीं कक्षा कह लीजिए, इसमें बहुत सारे जो हैं जो कैडेट्स रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे, तो एक क्या होगा समूह बन जाएगा। उसी प्रकार झुंड, झुंड देखिए जो भेड़ बकरियां होते हैं जो झुंड में जा रहे हैं तो वहां पर भी एक समूह हो जाता है। सेना, सेना जब वह समूह में होती है तो उसे सेना, जैसे वायु सेना, भू सेना और नौका सेना, नौ सेना, ऐसे तीन सेनाएं, सेना जो है उसे हम समूह में लेते हैं। गुच्छ, आपने देखा हो फूलों का गुच्छ जो है, गुच्छा, फूलों का जो गुच्छा है उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, यानी उनका भी एक समूह होता है। जुलूस, कहीं पर शादी हो या कहाँ पर भी कोई मेला हो वहां पर जुलूस जो है आपको वहां पर अनेक लोगों की जो समूह आपको देखने मिलती है, ये सभी जो है समूह या समुदाय का जो उदाहरण है, यानी इसका मेन जो है समूह का बोध करवाता है, उसे उन शब्दों को समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला